हे गाइस, फाइनली श्रद्धा कपूर की आने वाली नई मूवी हसीना पारकर का टीजर लॉन्च हो चुका है। इसके अभी तक 3.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और ये इंडियन ट्रेंडिंग लिस्ट पे नंबर 1 पे है। टीजर स्टार्ट होता है, आपकी पहचान आपके नाम से होती है और इनकी पहचान इनके भाई के नाम से। कौन है ये हसीना पारकर और कौन है इसका भाई? हसीना पारकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन है। 12 भाई बहनों में से हसीना वो सेवंथ चाइल्ड। उनकी माँ का नाम आमीना बी और पिता का नाम इब्राहिम केसकर, जो मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे। हसीना के पति का नाम इस्माइल पारकर, जिनके 3 बच्चे उमेर, दानिश और अलीशा। ये 2 बंदे कौन हैं और हसीना के पति इस्माइल को क्यों मार रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों बैकुला कंपनी से हैं, जिन्हें अरुण गावली उस टाइम कंट्रोल करते थे, जो दाऊद इब्राहिम के उस टाइम राइवल थे। पहले दाऊद ने अरुण गावली के भाई को मरवाया, जिसके बदले में अरुण ने हसीना के हस्बैंड इस्माइल पारकर को 1991 में मरवा दिया। 2 दिन पहले डैडी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और ये मूवी अरुण गावली की लाइफ पे बेस्ड है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने, ये हमने डैडी मूवी के ट्रेलर ब्रेकडाउन में पूरा एक्सप्लेन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर सजेशन में भी आ रहा होगा, डू चेक दिस आउट। 1991 में हुई हस्बैंड की मौत के बाद हसीना पारकर ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बिजनेस को गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट ऑपोजिट पुलिस स्टेशन नागपाड़ा से ऑपरेट करना शुरू कर दिया, जहां से उनको गॉड मदर और पापा याद रह गया ना, ये है उनके अपार्टमेंट की ओरिजिनल पिक्स। 1993 बॉम्बे बॉम्ब्लास्ट के बाद भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित कर दिया, जिसके बाद हसीना पारकर को बहुत हरासमेंट सहन करनी पड़ी। यह है उनका पर्सनल इंटरव्यू। इस एक्सीडेंट में दानिश की मौत हो जाती है। एक्चुअल में ये एक्सीडेंट 2006 मुंबई गोवा हाईवे मनगांव के पास होता है, जो कि मुंबई से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। 88 केस दर्ज होने के बावजूद हसीना सिर्फ एक बार ही 2007 में बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश होती हैं, जिसका पता हमें यहां से लगा। ये उनकी ओरिजिनल पिक हाईकोर्ट के बाहर। हसीना पारकर की 6 जुलाई 2004 हबीब हॉस्पिटल मुंबई में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इस मूवी में दाऊद इब्राहिम का रोल श्रद्धा कपूर के रियल ब्रदर सिद्धांत कपूर प्ले कर रहे हैं, जिनको आपने शूट आउट एट वडाला में देखा होगा। हसीना पारकर के हस्बैंड का रोल अंकुर भाटिया कर रहे हैं, जिन्होंने सरबजीत मूवी में दिलबीर कौर के हस्बैंड का रोल किया था। Thank you for watching this video. Please like, share, comment, and please don't forget to subscribe us. Thank you. Take care. Love you all. Bye bye.